उत्तर प्रदेश में जब बहन कुमारी मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बनी तो अपने मान सम्मान स्वाभिमान की खातिर, बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की खातिर उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री कुर्सी को लात मार दी, ठोकर मार दी। क्यों मार दी? क्योंकि उन्हें अपने मान सम्मान स्वाभिमान का एहसास था, अपने बहुजन समाज के लोगों के मान सम्मान के लिए समर्पित थी। ऐसी बहन कुमारी मायावती जो आज एक बहुजन नायिका के रूप में इस देश का नेतृत्व कर रही हैं, देश के बहुजन समाज के लोगों का नेतृत्व कर रही हैं, सर्व समाज के लोगों का नेतृत्व कर रही हैं, ऐसी महिलाएं हजारों साल में एक बार पैदा होती हैं। अगर ये नायक नायिकाएं पैदा नहीं हुए होते हमारे समाज में, तो जैसे हमारे बाप दादे गुलामी करते करते मर गए, हम भी कहीं गुलामी कर रहे होते और आगे आने वाली संतानें भी गुलामी करने को मजबूर होती। जिस देश में महिलाओं को आवाज उठाने का अधिकार नहीं, जिसको पैर की जूती समझा जाता रहा है, हर सेकंड इतने अत्याचार महिलाओं पर होते हैं, तमाम सारी खबरें आती हैं रातों रात, आज के देश की आजादी के 75 साल भी रातों रात उनको अत्याचार करके, उनको मार करके रातों रात पेट्रोल डाल के जला दिया जाता हो, जहां औरतों को अपना तन ढकने का अधिकार ना हो, आज भी घूंघट के अंदर अपनी जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं औरतें, जहां पढ़ने का अधिकार ना हो, जहां उनके घर में खुद दुर्व्यवहार होता हो महिलाओं के साथ में, उसके बाद भी साथियों हमारे देश में ऐसी वीर वीरांगनाएं, ऐसे नायक नायिकाएं पैदा होते रहे हैं जिन्होंने समाज की दिशा दशा बदलने का काम किया। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो इस देश में सावित्रीबाई फूले हुई, झलकारी बाई हुई, फातिमा शेख हुई, माता रमाबाई, फूलन देवी जैसी वीर और वीरांगनाएं हुई जिन्होंने इस समाज की दिशा दशा बदलने के लिए अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर दिया हो। इसी तरीके से बहन कुमारी मायावती पैदा होती है ऐसे समाज में कि जिस समाज को व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर रखा जाता है, ये चमार और चमारी को सबसे निचले पायदान पर देख रखा जाता है, उनको हे दृष्टि से देखा जाता है आज भी 75 साल की आजादी के बाद जिस देश में। और एक ऐसी महिला जो 21 साल की उम्र में घर छोड़ करके, अपने माँ बाप का परिवार छोड़ करके वो एक अंधी गली में आ जाती है राजनीति की और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के लिए, अपना घर बार छोड़ करके उनका अपने घर में भी शोषण हुआ, उनके भाई बहन के साथ में, बहनों के साथ में शोषण किया, भाइयों को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया गया, लड़कियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया गया, कोई तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन फिर भी बहन कुमारी मायावती इन विपरीत परिस्थितियों से होती हुई और 21 साल की उम्र में घर बार छोड़ करके, जब पिता ने दबाव बनाने की कोशिश की तो घर बार छोड़ करके साहब कांशीराम के कहने पर सामाजिक परिवर्तन की एक महानायिका बनकर इस सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष में कूद पड़ी। उन्होंने न दिन रेखा न रात, भूखे प्यासे रह करके, कपड़े भी पहनने को ठीक से नहीं होते, साइकिल पे चल चल कर, पैदल चल चल करके रात रात भर 18-18, 20-20 घंटे काम करके लोगों को गलियों झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के कैडर के माध्यम से जगाने का काम किया। ऐसी बहन कुमारी मायावती हजारों सालों में एक पैदा होती है। इतिहास इस बात का गवाह है। मैं इतिहास के माध्यम से कहूंगा कि बहुजन समाज के जो इतिहास है, नायक नायिकाओं का इतिहास है, अगर आप उठा के देखेंगे तो 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध पैदा हुए थे जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी। उसके बाद करीब 650-650 साल पहले कबीर और रविदास जी पैदा होते हैं। उसके बाद ज्योतिबा फुले पैदा होते हैं, साहू जी महाराज पैदा होते हैं, चोखा मेला, बिरसा मुंडा, इस तरीके के लोग पैदा होते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर पैदा होते हैं। तो ये 2500 साल के इतिहास में कुछ गिने चुने लोग हैं जिनका आज समाज ऋणी है, जिन्होंने समाज के लिए काम किया। तो क्या इस पीरियड में करोड़ों लोग पैदा हुए तो इतने कम लोग क्यों पैदा हुए जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की बात की? तो ये इतिहास इस बात का गवाह है कि हजारों हजार सालों में एक महापुरुष होता है
जिसके दिल में दर्द पैदा होता है समाज के लिए, मानवता की जो पीड़ित दिशा है, जो पीड़ित मानवता है उसको देख करके उनके दिल में दर्द पैदा होता है और वो सब कुछ छोड़ करके इस समाज के मानवता की खातिर, मानवता के लिए समाज में कूद जाते हैं, अपना सर्वस्व नछावर कर देते हैं। लंबा इतिहास है, उसी इतिहास की एक कड़ी है बहन कुमारी मायावती, जो आज मौजूद है, जिसको लोग जिंदा देवी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने जब घर छोड़ा तब से लेकर आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। लोग कहते हैं ये उनके भाग्य में था, भाग्य में कुछ नहीं, उन्होंने इतना कड़ा संघर्ष किया, उन्होंने गली गली देश के कोने कोने में जाकर के भूखे प्यासे रह करके साहब कांसीराम का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, बहुजन मूवमेंट जो चल रहा था उसमें सर्वस्व निछावर कर दिया, सर्वस्व निछावर कर दिया। लेकिन विडंबना है इस देश के लोगों की, इतिहास इस बात का भी गवाह रहा है कि इस देश में जितने महापुरुष हुए, जितने बहुजन नायक नायिकाएं हुए, उनका जिंदा रहते समय उनका विरोध किया, करोड़ों लोगों ने उनका समर्थन किया, उनके साथ चले, लेकिन लाखों लोगों ने विरोध भी किया। ये तथागत गौतम बुद्ध के साथ भी हुआ, कबीर और रैदास के साथ भी हुआ, ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले के साथ भी हुआ, झलकारी बाई के साथ भी हुआ, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के साथ भी हुआ, कांसीराम साहब के साथ भी हुआ। ये विडंबना है भारत के लोगों की कि जब कोई महापुरुष, जब कोई नायक नायिका इस देश में पैदा होते हैं उस समय उसको समझ नहीं पाते, सही समय पर सही नायक नायिका, सही नेता की पहचान नहीं कर पाते बहुजन समाज के लोग, इसलिए बाद में पछताते हैं। इतिहास में इस बात का गवाह है, मैंने जो देखा है अनुभव के आधार पर, जो मैंने पढ़ा है, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जब बाबा साहब जिंदा थे तो पढ़े लिखे लोगों ने खास करके उनका बहुत विरोध किया था, बहुजन समाज के लोगों ने, किंतु परंतु करते रहे, उन्होंने कभी साथ नहीं दिया। जिन लोगों को बाबा साहब ने पढ़ा लिखा के तैयार किया था, विदेश में शिक्षा के लिए भेजा था, वो भी आकर उन्होंने भी बाबा साहब का साथ नहीं दिया। इसी तरीके से साहब कांसीराम का करोड़ों लोगों ने साथ दिया, लेकिन लाखों लोग ऐसे रहे कि जब तक साहब कांसीराम जिंदा रहे उनका हमेशा विरोध करते रहे, लेकिन जब बाबा साहब इस दुनिया से चले गए, साहब कांसीराम इस दुनिया से चले गए, तो इन्हीं मौका परस्त और मतलब परस्त लोगों ने, जिन्होंने जिंदा रहते हुए हमेशा उनका विरोध किया, उनके जाने के बाद उनकी घर में फोटो लगा दी, उस पर माला टांग दी और ये कहने लगे कि ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो ठीक था लेकिन ये कांसीराम ठीक काम नहीं कर रहा। जब कांसीराम साहब भी चले गए तो कांसीराम साहब की फोटो लगा ली, इस पर माला डाल चढ़ा दी और कहते हैं कि कांसीराम साहब तो बढ़िया काम कर रहे थे, बाबा साहब के मिशन को ले जा रहे थे, लेकिन ये मायावती मिशन से भटक गई है, ये काम नहीं कर रही है। तो ये विडंबना है हमारे समाज के बुद्धिजीवियों की, खास करके मैं कहना चाहूंगा पढ़े लिखे लोगों की, जिनको सब कुछ इनके संघर्ष से मिला है, महापुरुषों के संघर्ष से, त्याग तपस्या बलिदान के कारण इनको पद पैसा प्रतिष्ठा मिला है, ये हमेशा किंतु परंतु करते रहे हैं। और आज भी ऐसे लाखों लोग हैं, आज की तादाद में करोड़ों लोग तो बहन कुमारी मायावती के समर्थक हैं, उनके लिए दिलो जान से समर्पित हैं हर तरीके से, लेकिन आज भी लाखों लोग बहुजन समाज के ऐसे हैं जो हर दिन किंतु परंतु करते रहते हैं बहन कुमारी मायावती के लिए। और मेरा ये गारंटी है, मेरा ये दावा है, मेरा ये मानना है कि जिस दिन बहन कुमारी मायावती इस दुनिया से चली जाएंगी, उस दिन यही मौका परस्त लोग जो किंतु परंतु करते हैं मायावती की भी फोटो लगा लेंगे और उस समय जो नेता होगा उसकी बुराई करने में लग जाएंगे। ये विडंबना रही है बहुजन समाज के लोगों की के समय पर अपने सही नेता की पहचान नहीं कर पाते, इसलिए जो कारवां चल रहा है, बहन कुमारी मायावती ने सर्वस्व अपना त्याग करके एक झुग्गी झोंपड़ियों के मोहल्ले से निकल करके आज फर्श से लेकर अर्श तक पहुंची हैं। और ऐसी बहन कुमारी मायावती जिसने अपने घर को ठोकर मार दी, जिसने अपने इस सामाजिक व्यवस्था को धता बताते हुए, लोगों ने तमाम सारी चरित्र के ऊपर भी बातें की, बहन कुमारी मायावती जब घर छोड़ के चली गई थी तो कांसीराम साहब के
कहने पर वहां करोल बाग में रहनी थी तो उनका उनके चरित्र पर भी अंगुली उठाई, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने कभी किसी की परवाह नहीं की। उत्तर प्रदेश में जब बहन कुमारी मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बनी तो अपने मान सम्मान स्वाभिमान की खातिर, बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की खातिर उन्होंने 3 बार कुर्सी की मुख्यमंत्री कुर्सी को लात मार दी, ठोकर मार दी। क्यों मार दी? क्योंकि उन्हें अपने मान सम्मान स्वाभिमान का एहसास था, अपने बहुजन समाज के लोगों के मान सम्मान के लिए समर्पित थी, इसलिए उन्होंने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा चली आ रही है उस विचारधारा पर चलते हुए 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी। तमाम सारी विरोधी पार्टियां, तमाम सारे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम सारी एजेंसियां, सीबीआई, आईबी पीछे पड़ी रही, लेकिन बहन कुमारी मायावती टस से मस नहीं हुई, इनको हिला नहीं पाई, डिगा नहीं पाई, डरा नहीं पाई, धमका नहीं पाई। ऐसी बहन कुमारी मायावती जो आज एक बहुजन नायिका के रूप में इस देश का नेतृत्व कर रही हैं, देश के बहुजन समाज के लोगों का नेतृत्व कर रही हैं, सर्व समाज के लोगों का नेतृत्व कर रही हैं, ऐसी महिलाएं हजारों साल में एक बार पैदा होती हैं। जो कहा जाता है, किसी शायर का श्लोक है कि हजारों सालों में पैदा होती है चमन में नरगिस, जो है हजारों साल में एक बार फूल खिलता है। उसी तरीके से इस बहुजन मूवमेंट के इतिहास में ऐसे गिनती के महापुरुष हैं जिनमें बहन कुमारी मायावती भी आज शामिल हैं। इसलिए बहन कुमारी मायावती का तन मन धन से हमें समर्थन करना चाहिए और मैं कोटि कोटि नमन करता हूं ऐसी बहन कुमारी मायावती को जिसने बहुजन समाज की खातिर अपना सर्वस्व त्याग दिया है। इसलिए हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मुझे ये टाई कोट हेड जो आज मिला है, जिसे बैठ करके हम बोल रहे हैं, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, इन बहुजन नायक नायिकाओं के त्याग तपस्या बलिदान का कारण है जिसके कारण हमें पद पैसा प्रतिष्ठा मिला। इसलिए हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है, बहुजन समाज के लोगों की नैतिक जिम्मेवारी बनती है, सर्व समाज के लोगों की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे जो महानायक नायिकाएं हैं उनका हमें साथ देना चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें करना चाहिए। अगर ये नायक नायिकाएं पैदा नहीं हुए होते हमारे समाज में तो जैसे हमारे बाप दादे गुलामी करते करते मर गए, हम भी कहीं गुलामी कर रहे होते और आगे आने वाली संतानें भी गुलामी करने को मजबूर होती। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि आप बचाना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को, अपने आगे आने वाले बच्चों को गुलामी करने से बच पाए, तो हमें समय रहते हुए बहन कुमारी मायावती का साथ देना होगा और बाबा साहब ने जो हमें ब्रह्मास्त्र दिया था, जो हथियार दिया था वोट का, इसका सही इस्तेमाल करना होगा। अगर हम वोट का सही इस्तेमाल करेंगे इस चुनाव के माहौल में तो निश्चित रूप से हम बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करेंगे, उनको ताकत देने का प्रदान करेंगे और बहन कुमारी मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके इस बहुजन समाज के, सर्व समाज के उत्थान के लिए हम अपना सहयोग कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।